जनहिताशी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह की बीते कुछ दिन पहले नवे बने लुधियाना पुलिस कमिश्नर कौस्तुभ शर्मा के वलों जिस तरह की दसया जा रहा है कि हुण लुधियाना दे विच लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा है वह बड़े सही ढंग दे नाल चल रहा है, पर असी अज मौजूद आ लुधियाना दे थाणा जमालपुर दे और थाणा जमालपुर दे अंतर्गत आंदे इलाका रामनगर दे विच जिहड़ी गुंडागर्दी दा नंगा नाच दी इक घटना सामने आई है और पीड़ित परिवार जिहड़ा अपनी हुण कंप्लेन लैके थाणा जमालपुर दे विच पहुंचा। आओ गलबात कर लैंदे आ ते जान लैंदे आ कि पूरा मामला की है। मामला इदा दे कुछ दिन पहला लड़ाई हुई सी मोटरसाइकिल पिछे, ठीक है जी। उस दे विच उन्होंने मेरा नाल खाता सी, ठीक है जी। उन्होंने मेरा नाम लिखाया सीगा जी ते मैनू पुलिस वाले लै गए सी घरों चक के, ठीक है जी। तो उस लड़ाई विच मैं नहीं सीगा, एक गल क्लीयर हो गई सी। वो जिहड़ा एक मुंडा बिल्ला बिल्ला उन्हां दा उहदा आपसी झगड़ा किसी मुंडे नाल सीगा जी, ठीक है। मैनू वो कहिंदा तू उत्थे सीगा, इस करके उन्हें मेरा नाम लिखाता जी। तो मैनू लै गए सी, फिर पुलिस द्वारा पूरी उन्होंने वीडियो वगैरह जांच की, मैं उत्थे नहीं सी ना, मैं मोटरसाइकिल तोड़िया सीगा, ठीक है जी। फिर मैनू कल शाम परसों शाम नू मैनू उन्हां ने फड़ लिया जी, उत्थे मैं बर्गर खा रहा सी, उत्थे फड़ लिया। उस तो बाद बिल्ला तुहानूं किद्दां जाणदा वो मैनू किद्दां जाणदा, जिद्दां जी वो मुहल्ले च रहिंदा जी, मैं उहदा नाम सुणिया है उहदा, उहदा मेरे यार दोस्त नहीं हैगा वो, ठीक है जी। तो वो मैंने उन्होंने आंदे सर मेरे मारिया तो मैंने फड़ लिया उत्थों लै गए, तो तीन जने सी, एक दे सिर ते मारिया जी, उहदा ही सिर पाड़ गया, उहदे टांके लगे छे। ये रामनगर की जगह जी, रामनगर मैंने फड़िया जी, उत्थे उन्होंने घर तो अगे हैगा जी, ग्राउंड तो डिसेंट स्कूल तो पहला ही थोड़ा जी, ठीक है जी। उत्थे फड़िया सी, उस तो बाद मैंने लिया जी कुटते कुटते, मेरा फोन भी इन्होंने खोलिया, मेरा फोन भी हले उन्होंने को ही आई, ठीक है जी। तो ना मैंने कोई फोन चक्कन दे रहे, ना मेरा फोन, मैंने घरों फैमिली का फोन आया कर रहे नहीं चक्कन दे रहे। फिर मैंने 11 बजे फोन चक्या, मैं एक बार मैंने जिदा थोड़े उन्होंने फोन एक मिनट दिता नाल ही, फिर मैं फोन चक्या, फिर मम्मी ने दसिया इदा इदा गल कि इतने आ जाओ ये। फिर मेरी फैमिली आई, मेरी फैमिली तो भी उन्होंने फैमिली आई तो मेरी फैमिली तो हाथापाई करन लग गई, मेरी सिस्टर भी मारता है, ठीक है जी। तो PCR उत्थे मौजूद आई सी, PCR तो कुछ नहीं हो पा रहे थे, वो भी उन्होंने भी हाथापाई की, उन्होंने वर्दी वगैरह खिंची। उस तो बाद की वर्दी वगैरह एक PCR वाला उत्तर मैंने बिच बिठाया आया सी, तो वो जान नहीं दे रहे थे, ठीक है जी। मैंने फड़ के रखा, फिर PCR वाले एक PCR वाले ने उतर के साइड पर गया, उन्हें मुंडिया चौंकी फोन किया, उतो फिर पूरी फोर्स उन्होंने गड्डी आई, उन्होंने जो लाठीचार्ज की उस तो बाद भजे तो मौके पर एक फड़िया गया जी। लड़ाई का कारण जी उन्होंने मुंडे ना किसी बिल्ले नाम का मुंडा जो आपसी झगड़ा जी किसी मुंडे नाल जी, ठीक है जी, मोटरसाइकिल का ही मोटरसाइकिल उन्होंने आपस पता नहीं उन्होंने तोड़िया सी, ठीक है जी। तो वो मैंने कहता कि तू तोड़िया जी, तो जिदा मैं पुलिस ने कंप्लेट कराई सी मेरे नाते, फिर पुलिस ने वेरीफाई की मैं उसे नहीं सी ना मैं तोड़िया जी। क्यों बुलाया गया कि लड़ाई दे अच्छा लड़ाई के मैंने उत्थे बुलाया नहीं, मैं उत्थे बर्गर खा रहा सी, ठीक है। उत्थे किसी ने मैंने दसा नहीं कि उत्थे बैठे है ये, फिर क्योंकि मैंने कहता तू मुंडिया चौंकी च मैंने क्यों क्या मोटरसाइकिल नहीं दूंगा मैं ठीक करा के, मैं कहा जब मैं मोटरसाइकिल नहीं तोड़िया तो मैं क्यों ठीक करा के दे भाई। इस करके फिर उन्होंने मैंने उत्थे कुटते बहुत वीडियो बनाई कि तू क्या मोटरसाइकिल बना के दे, नहीं मेरी उन्होंने कोई पुरानी नहीं। मैंने उन्होंने 7:30 बजे फड़िया सी जी, 11:30 बजे तक मैंने फड़ के कुटिया उत्थे। मैनू उन्होंने इन्होंने फोन करी गए, काफ़ी टाइम तो फोन कर रहे थे, एक बार फोन किया मैंने कहते तू कह दे कि मैं बाहर आया हुआ, मैं एक बार कहता क्योंकि मैंने उन्होंने बहुत कुटे आया सी। उस तो बाद की होया फिर मैंने किसी का मैंने फोन आ रहा है, उन्होंने मेरी गल करा रहे जिदा ही, फिर उदो मेरे मदर का फोन आया, मैं गल की मम्मी इदा, मैं दो ही गल्ला बोलिया कि मैं 9 नंबर गली ग्राउंड से फड़े आया, नाल ही उन्होंने मेरा फोन खोलिया जी, फिर हाले तक मेरा फोन उन्होंने को ही है जी। जमालपुर थाने जी मेरी सिस्टर ने उन्होंने मारिया जी, इस करके वो बयान लिए बुलाया से उन्होंने, वह बयान लिया बाकी मुंडिया चौंकी के उन्होंने परचा दर्ज किया जी, ठीक है जी। चौंकी के दर्ज किया उन्होंने मेरा फोन लिखता सी, फोन यदा गिर गया जी, विदाउट मेरे को रिकॉर्डिंग भी आई, परसों मुंडे ने मैं फोन किया, उन्हें मुंडे ने कहा कि आ गल मैंने कहा कि तू गल कर मेरे फोन बारे, उन्हें गल की मुंडा कहता मेरा मोटरसाइकिल ठीक करा के देगा तो मैं फोन दूंगा उन्होंने कह दे, ठीक है जी। बाकी मैं इतने तो पूछा मेरी इतने मंग मांगता कि मेरी जी कार्रवाई की जाए बनती, ठीक है। हाँ जी, जिस तरह थोड़े ब्रदर वालों दसाया जा रहा है, ब्रदर है हाँ जी, भी मेरी सिस्टर नाल भी जिस तरह उन्होंने मारपीट की थी, की मामला देखो जी, मोटरसाइकिल किसी होर ने तोड़िया सीगा, मेरे ब्रदर का नाम आया हफ्ता पहला चौंकी दे विच पेश किया सी मेरे भरा नूं, असी भी गए सी नाल पूरी फैमिली गई सी, तो जिहड़ा उत्थे जग्गी सीगा ASI उन्होंने सानूं कहा तुसीं चौंकी आ जाओ शामी, असी चौंकी गए, उन्होंने कहा थोड़े मुंडे ने मोटरसाइकिल तोड़िया, असी कहा जी सानू प्रूफ दे दो साडे मुंडे ने मोटरसाइकिल तोड़िया, बनती कार्रवाई जो होगा तुसी कर लियो, मोटरसाइकिल ठीक करा के दे, तुसी जो सज़ा होगी करवा दियो। उन्होंने कहा ठीक है जी, असी वीडियो क्लिप कढ़ाने आ जिथे वीडियो CCTV च हुई है असी वो कढ़ाने, जे थोड़े मुंडे की गलती होगी बनती कार्रवाई करांगे, मोटरसाइकिल बनवा के देना, असी कहा ठीक है। वो कहते तुसी अगले दिन 10 बजे आइयो, असी अगले दिन 10 बजे गए, दूजी पार्टी वाले बंदे आए नहीं सीगे उत्थे, चलो जी उन्होंने मामला उत्थे ठंडा करता, सानू भेजता, असी हफ्ता सानू लगे चलो जी कोई गल हो ही नहीं, तो कोई सानू जो फोन ही नहीं आया दोबारा, दूजी पार्टी भी नहीं, असं भी शांत होकर बैठ गए, साढ़े मुंडे की कोई गलती नहीं। जो सानू परसों पता चले, जो सानू परसों ये फिर वारदात हुई जी, इन्होंने कुटिया फड़ के,
ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ASI ਕੋਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਿੰਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਕੁਛ। ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 15 ਤੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਡਾਸੇ, ਟੋਕੇ, ਛੁਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ, ਬੇਸ ਬੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਚੈਨ ਚੂਨ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਝੁੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚਾਰੋ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਮੇਜਰ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਸ ਬੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੀਲ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਦੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾਓ, ਸਭ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਂਟੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਛੁਡਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਂਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ 181 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਂਕੀ ਗਏ ਸੀ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚੌਂਕੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ। ਜਮਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ SHO ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਹਾ 10 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਥਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਦਾਂ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਬਿਆਨ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ FIR ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਤਿੰਦਰ ASI ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੀ ਸੀ ASI, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤਾਂ ਰਾਮਨਗਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਪਰਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਪਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ? ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਜਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਜਰ ਨਾਮ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪੀਏ ਖਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਏ ਖਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਬੋਲੀ ਗਈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਬ ਇਸਨੇ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸਕੇ ਨਾਮ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏ, ਔਰ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੋਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜੋ ਸੋਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੋਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁੱਟਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਾਣ ਕੇ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਸੋਨੂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਜਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡੌਨ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ 9 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਜਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਮੇਜਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ, ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਸੁਬਹਾ ਚੱਕਣ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ
कोई कार्रवाई नहीं, कोई बंदे नहीं फड़े। असीं उन्होंने दस्या, पुलिस नूं फोन किया, तुसीं तां कहिंदे बंदे असीं लभ रहे हैं, बंदे तां इत्थे शरेआम घूम रहे हैं। असीं कल शामी जदों बयान दिता, मेरे भरा दा एफ आई आर भी लिख रहे सी, असीं उदों भी किया कि सर बंदे उत्थे ग्राउंड दे विच बैठे हुए आ, पंज सत्त मुंडे सारे उही बैठे हुए आ, तुसीं उन्हां नूं चक्को। उह कहिंदे कोई नहीं, तुसीं एफ आई आर लिखाती है, हुण साडा कम असीं बंदे चक्कांगे। सानूं नहीं लगदा जी हजे तक उह बंदे उन्होंने चक्के होणे, जिहड़ा फड़िया सी उन्होंने उह वी छड्डता। इसका की मतलब है? बस सानूं तो हाँ जी, मैं रामनगर तो बोलती हूँ, मैं सोशल वर्कर हाँ। जिहड़ा मेन इन्हां नाल होई उही साढ़े नाल दो तीन महीने पहले हुई, मेरे नाल नहीं इन्हां नाल नहीं, तकरीबन उत्थे हुंदी रहिंदी, क्योंकि उत्थे हैगा गरीब, गरीब लोग रहिंदे है। वह बेचारे कहिंदे भी चलो मार कुट कर दित्ती, चलो कोई नहीं असी बैठ जाने कि होर ना मारन कुट्टन सानू आके। देखो जी उत्थे रामनगर दे विच इन्नी कु गुंडागर्दी हो गई, पता की करते मुंडिया, एक मुंडे नू फड़ लैंदे अठ दस जने, पता नहीं कितों इन्ने हथियार टोके कृपाना राणा उन्हां कोल सब कुछ है, लेकिन वो पता की करते बच्चियां नू ना, एक जिद्दां साढ़े बच्चे है ना, असी सेफ नहीं हाँ उत्थे, असी रह जरूर रहे हैं लेकिन असी उत्थे सेफ नहीं हाँ। उत्थे इन्ना मजोरिटी बनी हुई, असी प्रशासन नू यही कहने हैं कि जो मुंडियां चौंकी दे विच कोई जांदा वा ना कंप्लेट लैके कि साढ़े बच्चे नू मारिया जा आ बंदिया ने मारिया, उत्थे एक कम की हुंदा कि वह बंदे दूजे दिन बाहर हुंदे, जिन्हां दे उत्ते परचा होना चाहिए, जिन्हां ने वारदात की वह बंदे बाहर घूमते, बाकी नॉर्मल बंदे जिहड़े वह अगे चले जाते। हाँ जी नहीं, असी हजे मिले नहीं है उन्होंने, जेडे गुरदीप जी है। असी हुण देखो जी इत्थों तक तो असी पहुँच गए, जो तक बच्चों का मार कुट हो रही, हुण असी उन्होंने यही कहना चाहते हैं, असी हरदीप मुंडिया यही कहना चाहते हैं, देखो असी जावांगे भी मिलांगे भी, लेकिन साडा उत्थे रहना सेफ नहीं है। उत्थे पता नहीं की ग्रुप बनिया होया, वह की करते, बस बंदे नू ना बिल्कुल इहोजे बंदे है कि जिन्होंने कतल किए हुए शरेआम घूमते पे उत्थे, सगो उन्होंने बाहर आके गुंडागर्दी होर पाई हुई। हुण सानू प्रशासन तो असी यही मंग करदे आ, जे हुण देखो जागो मुंडियां रामनगर दे विच जाओ, देखो गुंडागर्दी, रात दे 12 बजे एक बच्चे नू चक के लै गए, फिर जदों हुण परिवार नू जदों देखो, जदों जाऊगा परिवार वह लेडीज दे नाल बदतमीजी कर रहे, इन्ना हौसला किने दित्ती उन्हां नू, इन्ना हौसला किवें है कि एक लड़की दे नाल देखो जाके अपने भरा नू तां अगली चढ़ाण जाऊगी, तो शरेआम अगलिया ने देखो जी उत्थे चिट्टा विकदा, उत्थे शरेआम गुंडागर्दी मार कुट। मैं तो प्रशासन नू यही कहांगी कि देखो सानू इंसाफ चाहिए। सो परिवार के नाल गलबात करदे होया ते जाणिया कि इन्हां दे वल्लों दस्सिया जा रहा है कि जिहड़े इस परिवार का जिहड़ा लड़का है, इसनों जिहड़े यार दोस्त करो बुला के लैंदे ते उस दे नाल जिहड़ा कि उस मारकुट हुंदी है, ते जिहड़ी उन्हें इस परिवार की लड़की उन्हें वल्लों दस्सिया जा रहा है कि उस दे नाल भी जिहड़ी कि गलत तरीके नाल हरकतां भी कीतियां गईयां, पर लेकिन इन्हां दे वल्लों दस्सिया जा रहा है कि जिहड़े मुहल्ला निवासी भी जिहड़े नाल पहुंचे उन्हां वल्लों दस्सिया जा रहा है कि पहले भी इस इलाके दे विच रामनगर दे विच होर भी जिहड़े गुंडागर्दी दे जिहड़े इस तरह दे मामले कई सामने आउंदे ने, लेकिन जिहड़ी उत्थे नाल लगदी चौंकी है मुंडिया कलां दी, असीं कई वार उत्थे कंप्लेन भी दित्ती है, लेकिन कोई भी जी पुलिस वालों सुनवाई नहीं की जा रही। होर भी अपडेट लिए जुड़े रहो साढ़े चैनल जनहिताशी, कैमरा परसन मनीष फिज के नाल, मैं कपिल कत्याल।